दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसटीआई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ विंडोज़ 7 की सर्विसेज के बारे में। हालांकि विंडोज़ 7 के हम सारी सर्विसेज में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी सर्विसेज आपको अनेबल रखनी चाहिए और कौन सी डिसेबल रखनी चाहिए। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊँगा। तो जो भाई विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं, खासकर जो ओल्ड पीसी यूज़र्स हैं, जो काफ़ी पुराने पुराने पीसी यूज़ करते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और विंडोज़ 10 जो लोग चलाते हैं, तो सर्विसेज के लिए वीडियो मैंने उस पर भी बना दी है, तो आप जा करके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज दोस्तों विंडोज़ 7 की जो सर्विसेज होती हैं, जो हमको काम नहीं आती हैं सारे अपडेट्स के बाद, तो मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपने विंडोज़ 7 को पूरा अच्छे से अपडेट किया हुआ है और फिर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो मैं आपको वीडियोज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी सर्विसेज बंद कर देनी चाहिए। तो सीधा सर्विसेज की तरफ चलते हैं। आपको रन कमांड खोलना है और यहाँ पे आपको MS Config टाइप कर देना है। आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सर्विसेज टैब दिखेगा, यहाँ पे आपको इसमें आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी जो है सर्विसेज यहाँ पे आपको दिख रही हैं। अब दोस्तों अगर आप एक एक सर्विस देखने बैठ गए ना यहाँ पे, तो आपको आधा घंटा लग जाएगा, जैसे कि मैंने करी थी ये गलती। तो दोस्तों मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करने वाला, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, जितने भी सॉफ्टवेयर आपने डाले हुए हैं अपने कंप्यूटर पर, जितने भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, उनको आपको यहाँ पर सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एडोब फोटोशॉप को सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एडोब फोटोशॉप नाम से कोई भी जो है सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं आ रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं चलने वाला ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे अब ये ब्लू स्टैक मैंने डाला हुआ है, इसकी चेक करता हूँ, तो ये भी मेरे पास नहीं है। आप देख सकते हो ये तो ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस है। तो ये दोस्तों मैंने बंद की हुई है क्योंकि मैं अपने PC में ब्लूटूथ का यूज़ ही नहीं करता। अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं या फिर आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ का अडेप्टर है, तो फिर आप इसको अनेबल रख सकते हैं और अनेबल रखना ही पड़ेगा फिर आपको। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पहले तो ये ट्रिक यूज़ कर लें, ताकि आपका अगर कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे होगा जो कि स्टार्ट हो रहा होगा, वो यहाँ पे से बंद हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नीचे, यहाँ पे आपको इस पर टिक लगा देना है, मार्क लगा देना है। यहाँ पे फिर आपको जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो यहाँ पर भी आपको हो सकता है मिल जाएँ, और अगर नहीं मिलते हैं तो अच्छी बात है, मिल रहे हैं तो आप उन्हें बंद कर दीजिए। केवल एंटीवायरस और जो ड्राइवर वगैरह है उनको छोड़ के। फॉर एग्जांपल आप देखते हो ये सैमसंग मोबाइल कनेक्टिविटी सर्विस, ये दोस्तों ये एक ड्राइवर है, तो इसको आपने बंद कर दिया तो फिर आपके कंप्यूटर में गड़बड़ हो जाएगी, यानी आपका जो ड्राइवर है वो काम नहीं करेगा। इसके बाद आप ये नीचे देख रहे हो ये मिक्सर सर्विस, ये भी डिजिटल मिक्सर का जो है ड्राइवर है, जो माइक को अपने माइक को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। और यहाँ ऊपर आप देख रहे हो ये जो है ऑटोडेस्क लाइसेंसिंग सर्विस, ये सॉफ्टवेयर का सर्विस है, तो मैंने इसको बंद कर दिया है। अब ये अपना दूसरा स्टेप यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको फिर से इस पे से मार्क हटा देना है। अब आता है दोस्तों तीसरा सबसे लंबा स्टेप। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इसको एक एक सर्विस देख के आप टाइम वेस्ट करो। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितनी भी आप सर्विसेज हैं उनमें एंटीवायरस की तो बंद नहीं होगी। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तब तो वो बंद होगी नहीं, लेकिन विंडोज़ से रिलेटेड जितनी भी सर्विस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट, ये रिमोट मैनेजमेंट तो काम करने इसलिए मैंने बंद कर रखा है। जैसे आप ये देख सकते हो विंडोज़ ड्राइवर फाउंडेशन, ये मैंने बंद कर रखा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ विंडोज़ कलर सिस्टम, ये जो बायोमेट्रिक सर्विस है विंडोज़ से रिलेटेड है, इनको आपको बंद नहीं करना है। और मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ये जो है दोस्तों WLAN ऑटो कॉन्फिग, तो ये उन लोगों के लिए जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करते हैं या फिर वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं अपने PC में, तो ये उन लोगों के लिए है। मैं अपना फ़ोन से इंटरनेट चलाता हूँ, मेरा इतना कोई हैवी काम है नहीं, तो मैं इसको बंद कर रखा है। तो ये सब सब बातें तो साइड में रखते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा ऊपर आना है, इसके बीच में सारे विंडोज़ की सर्विसेज होती हैं, यहाँ पे आपको जो है ये सर्विसेज मिलेंगी, इन्हें आपको बंद कर देना है। ये बिल्कुल भी काम की नहीं है अगर आप हाई एंड चीज़ें यूज़ नहीं करते अपने PC में। तो ये टैबलेट PC वाली उन लोगों के लिए है जो कि पढ़ाई वगैरह का काम करते हैं अपने कंप्यूटर से, जो ग्राफिक्स टैबलेट होता है। तो अगर आपको वो नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्राफिक्स टैबलेट होता है दोस्तों एक पैड की तरह ही होता है, जिस पे हम लिखते हैं पेन से, और वो पेन हमारा PC से कनेक्टेड होता है, वायरलेस वाले भी आते हैं। तो यहाँ पे अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज नाम से भी एक सर्विस है, इसे भी आपको बंद कर देना है। ज़्यादातर केस में इसका यूज़ नहीं होता ऑफिसेज़ वगैरह में या फिर ऐसी जगह पर इसका यूज़ होता है जहाँ पर आप अपने फ़ोन से अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें। और इस काम के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम टीम व्यूअर है,
मैंने भी उसको एक बार यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप अपने कंप्यूटर को कहीं दूर बैठे हैं और अपना कंप्यूटर एक्सेस करना चाहते हैं, किसी को फाइल वगैरह भेजनी है या फिर आपको खुद को ही लेनी है, कहीं पे अपलोड करनी है, तो आप अपने स्मार्टफोन से अपने कंप्यूटर को, पीसी को, लैपटॉप को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस सर्विस को अनेबल करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद जो भी दोस्तों आपको यहाँ पर ड्राइवर वगैरह दिखते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो, ये ड्राइवर है, तो इनको आपको छेड़ना भी नहीं है, ये बंद हो जाएंगे क्योंकि सिंपल एक सॉफ्टवेयर ही है। लेकिन फिर जो ड्राइवर है आपका जो काम करता है वो काम करना बंद कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं, अब या फिर जो पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, मेरा कहने का मतलब है जो आपने एक्सटर्नली लगा रखे हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट स्पूलर की एक सर्विस है। ये सर्विस दोस्तों प्रिंटर के लिए है, जो लोग प्रिंटर यूज़ करते हैं साइबर कैफ़े वाले उनके लिए है, तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हो स्मार्ट कार्ड, तो दोस्तों ये सर्विस ऐसे विंडोज 7 में आती नहीं है, अगर आपने इसको फुल्ली अपडेट कर रखा है तो ही आपके कंप्यूटर में दिखेगी। अगर आपके नहीं दिख रही मतलब आपने अपडेट नहीं किया हुआ है, अपडेट कर लीजिए। फिर ये वही रिमोट प्रोसीजर कॉल और रिमोट एक्सेस वाला है, इसको आप बंद कर दीजिए अगर आप टीम व्यूअर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं तो। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सर्विस है, इसको आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ़ करने के बाद दोस्तों आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना ज़रूरी है, पहले अप्लाई पे करना फिर ओके पे करना। इसके बाद आप देख सकते हो फायरवॉल वगैरह है, ये आपको नहीं करना बंद। इसके बाद एंटीवायरस जो है, एंटीवायरस तो दोस्तों बंद हो गए नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये वॉल्यूम शेडो कॉपी है, ये शायद बंद हो सकता है, देखो नहीं हुआ ना बंद, अपने आप चेक मार्क लग गया वापस। तो एंटीवायरस का तो दोस्तों बंद नहीं होगा, जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वही बंद होंगे। ये फैक्स देख सकते हो, ये काम नहीं आता। तो दोस्तों ये जो सर्विस है ना, हो सकता है काफ़ी लोगों को दिखे ही नहीं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो इसका सीधा मतलब ये दोस्तों आपने अपडेट नहीं किया हुआ है। अपने विंडोज़ को हमेशा अपडेट रखिए दोस्तों, अगर आपके पीसी में कोई वायरस आता है तो आपका विंडोज़ उससे लड़ पाएगा, वरना वो इन्फेक्ट हो जाएगा और आपका पीसी भी मतलब में धूल मिट्टी खाता रहेगा, फिर आप उसे नहीं चलाओगे, ऐसे ही मतलब फिर वेस्ट हो जाएगा, जो भी कहने का मतलब है। तो दोस्तों ये जो सर्विसेज हैं सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इसको देख करके अच्छे से, अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से टाइम लगा कर इसको देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने एक दो सर्विस गलत बंद कर दी तो आपके कंप्यूटर में दिक्कत हो सकती है, कोई ड्राइवर वगैरह की बंद कर दी तो आपको लगेगा कि आपने मेरी वीडियो देख करके ड्राइवर अपने कंप्यूटर में दिक्कत कर ली, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान मेरी वजह से हो। तो बाकी आप अपनी सर्विसेज अपने हिसाब से देख सकते हैं, बाकी जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसे बंद कर दीजिए, तो अप्लाई ओके करके दोस्तों अपने कंप्यूटर को यहाँ से रिस्टार्ट ज़रूर से कर लीजिएगा। इसके बाद आपको वापस से रन कमांड खोलना है, यहाँ पे आपको दोस्तों अब services.msc टाइप करना है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको टाइप करके ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद वापस से यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे लास्ट में आ जाइए वापस। यहाँ पे जो जो सर्विस आपने वहाँ से बंद करी थी उसे आपको यहाँ से भी बंद करना पड़ेगा, वरना वो ठीक से बंद नहीं होती है, अपने आप अनेबल हो सकती है वापस से। फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़ अपडेट आप देख सकते हैं, ये फ़िलहाल मैंने बंद, ये मैंने किया हुआ है अनेबल, क्योंकि मैं अपडेट करते रहता हूँ। फुली अपडेट मैंने भी नहीं किए अभी, लेकिन क्योंकि विंडोज़ के अपडेट आते रहते हैं एक्सपायर होने के बाद भी, लेकिन इसलिए मैंने इसको अनेबल किया हुआ है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो विंडोज़ सर्च, ये मैंने डिसेबल की हुई है। जो भी सर्विस आपने वहाँ से डिसेबल की है उनको आपको यहाँ से भी डिसेबल कर देना है। इसके बाद आपका जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, विंडोज़ की सर्विसेज मैंने आपको बता दी हैं जो कि आपके काफ़ी काम आने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैं विंडोज़ 10 में भी बना चुका हूँ, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।